नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक बार फिर मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह यादव लड़ेंगे। मैनपुरी सपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव की दावेदारी घोषित होने के बाद आज सपा और बसपा संयुक्त रूप से मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें बसपा के जोन स्तर के नेतागढ़ और सपा सांसद मैनपुरी तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल के झंडे भी संयुक्त रूप से लगे देखे गए। वहीं मैनपुरी से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से 10 लाख मतों से जिताने की अपील नेताओं ने कार्यकर्ताओं से की। इस दौरान मैनपुरी के सांसद तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव की जीत तो पक्की है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि मैनपुरी से 6 से 7 लाख मतों से उनकी जीत होगी, और बाकी कितनी जीत होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। बसपा और सपा कार्यकर्ता पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, साथ रहकर मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं बदायूं से कांग्रेस प्रत्याशी उतारने को लेकर उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी के बारे में जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, अभी निर्णय नहीं हुआ है। तेज प्रताप खुद के चुनाव लड़ने पर बोले कि जहां से पार्टी तय करेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है। आज दोनों समाजवादी और बीएसपी दोनों के संयुक्त नीचे बैठक हुई है, किस तरह से जीत होगी सांसद नेताजी की और किस तरह का आज जोश देख रहे हैं दोनों पार्टी के साथ। जी, दूसरी बात यह है कि सांसद रंजन जी बादावी से लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है, क्या अमेठी और रैली में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस लग पा रही है? सर, आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? नेताजी से लड़ रहे हैं, जौनपुर से लड़ेंगे। क्या ईवीएम में अब गड़बड़ी बीजेपी कर सकती है? कहीं ना कहीं पार्टियों ने आरोप लगाया था कि अगर ये प्रिंट जो निकाल के दे रहे हैं इससे आप सहमत? कल क्योंकि गांधी नेताजी ये यहाँ से चुनाव लड़ने के लोग बहुत उत्साह के रूप में ले रहे हैं, और निश्चित रूप से लोगों में बहुत उत्साह है। माननीय नेताजी के लिए बहुत सम्मान है, और निश्चित रूप से पूरे देश में सबसे बड़ी जीत मैनपुरी से माननीय नेताजी का करा के मैनपुरी से माननीय नेताजी को प्रदेश में पहली जीत करा के संसद में भेजेंगे, ये लोगों में उत्साह है, यही लोगों की। किस तरीके का संदेश देना चाहती है पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हम दोनों ही दलों की कहीं न कहीं कुछ कुछ विचार हम लोगों के गए, तभी हम लोग एक भी हैं। और निश्चित रूप हम दोनों ही दलों की जो सांप्रदायिक शक्तियां देश को लूटे जा रही है, तो लोगों भोले भाले लोगों को चलो फरेब से देश की परा के जिन्होंने सत्ता हासिल कर ली थी, आज हम दोनों ही पार्टी नहीं तीनों पार्टियों का ये उद्देश्य है ऐसी फरेबी और झूठ सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक। कितने से जीते नेताजी? यहाँ कम से कम 10 लाख वोट पाएंगे, और निश्चित रूप से नेताजी की जो जीत होगी ऐतिहासिक जीत होगी, और कम से कम 8 लाख के आसपास नेताजी वोट से जीतेंगे और विरोधियों की यहाँ पर जमानत जब्त करा देंगे, ये उत्साह मैनपुरी की जनता के बीच में है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।